नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रत्येक व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए विधिक सेवा उपलब्ध कराने और लोगों को जागरूक कराने के उद्देश्य पूरे देश में विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से शिविर और विधिक सेवा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के चलते आज कानपुर देहात के राजपुर थाना क्षेत्र के फुलन देवी द्वारा किए गए चर्चित कांड वाले गाँव बेहमई में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से गांव के ग्रामीणों को विधिक जानकारी देने के साथ हर व्यक्ति को विधिक सहायता उपलब्ध कराने की जानकारी भी दी गई। विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर देहात इकाई के सदस्यों की माने तो विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन का उद्देश्य गरीबों, मजदूरों और दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को विधिक सहायता और विधिक साक्षरता की जानकारी देना है। इसी के चलते जिला मुख्यालय से कई किलोमीटर दूर स्थित बिहड़ के बेहमई गांव में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर ग्रामीणों को विधि की जानकारी दी गई। यह गांव दस्यु सुंदरी फुलन देवी द्वारा किए गए हत्याकांड के बाद चर्चित हो गया। यहां कई राजनीतिक पार्टियों के नेता आए और विकास के साथ ग्रामीणों को न्याय दिलाने का वादा कर गए, लेकिन ग्रामीणों को न विकास मिला और न ही न्याय। इसी के चलते विधिक सेवा प्राधिकरण अब गाँव की मदद के लिए आगे आया है और ग्रामीणों की सहायता कर उनको न्याय दिलाने का काम करेगा। ये वो गाँव है जो तमाम नेताओं, राजनीतिक दलों के लोगों के लिए एक सुर्खियों में रहने का एक आधार बना रहा, लेकिन जब बात आती है विकास की तो यहाँ तक आज तक विकास नहीं पहुँचा। यहाँ सड़क की समस्या, सीवर की समस्या, पानी की समस्या, सिंचाई की समस्या, शिक्षा की समस्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन वास्तव में ये लोग किससे शिकायत करें, कहाँ जाएँ, ये अभी तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। इन्हीं सब उद्देश्यों के तहत आज इस शिविर का आयोजन यहाँ पर किया गया और शिविर के साथ जो गांव चौपाल लगाई गई, यहाँ की जो समस्याएं आई हैं, इन समस्याओं को सिविल बार एसोसिएशन अपने स्तर पर निःशुल्क रूप से इनको साथ लेकर इनके कदम दर कदम इन समस्याओं को निपटाने में आगे मदद करेगा और जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा तब तक लगातार हम इस गाँव में आकर अपने एसोसिएशन के सदस्यों के माध्यम से, अधिवक्ता साथियों के साथ माध्यम से यहाँ पर लगातार शिविर और चौपाल लगाते रहेंगे।